प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। हाय, मैं उर्मिला कोरी, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। हमारे साथ है एक्ट्रेस मदालसा शर्मा, जो इन दिनों अनुपमा शो में काव्या के किरदार को लेकर सुर्खियों में। हाय अन, हाय मदालसा, हाय। हाय हाय उर्मिला, हाउ आर यू? अच्छी हूं। लगातार 2 वीक से शो नंबर 1 पे है, किस तरह से देखते हो इसको? उफ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ एंड बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ शो जो कि इतने कम समय में नंबर 1 हो गया है। अभी बस 2 ही वीक हुए हैं हम जब से ऑन एयर आए हैं, तो आई थिंक फॉर एन एक्ट एज एन एक्टर बहुत 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 ब्लेस्ड फील करती हूँ। अच्छा मतलब सर, आपने साउथ की फिल्में की हैं, बॉलीवुड भी किया है, टीवी करते हुए कुछ जहन में था कुछ कि क्या करूं या ना करूं, कुछ चल रहा था कुछ? मैं इनफैक्ट टीवी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा। क्योंकि फिल्में की हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में फिल्में की हैं, तो टीवी एक ऐसा सेक्शन था जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया था इससे पहले। बिल्कुल ही एक नई चीज जब आप करते हो तो कैसे एंग्जाइटी होती है, यू फील यू नो यू आर एक्साइटेड एंड यू हैव बटरफ्लाइज इन योर टमी, तो मेरा बिल्कुल एक वही सिचुएशन था। एंड काफी टाइम से इनफैक्ट मैं टीवी करना चाह रही थी, मैं सोच रही थी कि जैसे ही कुछ बहुत पाथ ब्रेकिंग कम्स माई वे और जिससे मैं एक्साइटेड हो सकूं, जहां मुझे अपना किरदार पसंद आए, वो शो मैं डेफिनेटली करूंगी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हुआ एंड अनुपमा केम माय वे एंड राजन सर का शो है एंड एवरीथिंग फेल इन प्लेस एंड नाउ आई एम डूइंग द शो। अच्छा, काव्या किरदार से कितना रिलेट करते हो, क्या आपको लगता है, क्या कनेक्ट करते हो आप उस किरदार में? काव्या के किरदार से मैं काफी रिलेट करती हूँ वैसे, सिवाय एक पार्ट छोड़ के कि शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ कोर्स, बट अदर देन दैट काव्या का जो रोल है शी इज वेरी स्ट्रांग एंड अ वेरी पॉजिटिव गर्ल, जो कि मैं भी हूँ इन माय रियल लाइफ यू नो। और काव्या बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की है, शी इज अ वेरी एम्बिशियस गर्ल यू नो, उसको पता है कि व्हाट शी हैज टू डू, व्हाट इज राइट फॉर हर, व्हाट इज नॉट राइट फॉर हर। एंड एट द सेम टाइम काव्या का जो एक कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि इससे काफी इंस्पिरेशन भी मिल सकती है लोगों को यू नो। सो जबकि एक एक्टर को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां मुझे एक ऐसा रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है जहां से मैं लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ फॉर द बेस्ट यू नो, सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इसीलिए काव्या के किरदार से मैं काफी रिलेट करती हूँ। अच्छा, टीवी बहुत हैक्टिक माना जाता है और आपकी अभी नई नई शादी भी हुई है, तो किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं दोनों को? वेल, शादी को अभी हाल ही में 2 साल पूरे हुए एंड टीवी जब शुरू किया था उससे पहले ही ये एक मेंटल प्रिपरेशन खुद करनी पड़ी थी मुझे। आई न्यू इट कि टीवी काफी हेक्टिक होता है, मुझे कहा गया था कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं एंड बीच में ब्रेक्स कम मिलते हैं एंड यू हैव टू बी कम्प्लीटली एट इट, वंस यू गिव योर कमिटमेंट, आप कमिट करते हैं टीवी शो के लिए, देन देयर इज नो हॉलीडेज यू नो। जैसे फिल्मों में हमें वो लिबर्टी मिल जाती है बिकॉज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज आप कमिट करते हो फिल्म में, देन व्हेन द फिल्म इज ओवर देन यू कैन हैव अ ब्रेक, बट दैट डजंट हैपन इन टीवी। बट बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड टू प्ले काव्या ना, इसीलिए आई डिडंट हैव ऑल दीज थॉट्स एंड आई थॉट के I'm going to balance it both in my own way when it comes to family, because again family for me is the utmost priority of course. So luckily I'm able to strike the right balance between work and family. So dono gracefully manage ho raha hai for now. Nimo kitna aapko support karte hai, because wo bhi actor hai to zyada aasan ho jati hai cheeze, aapko lagta hai? Bilkul, in fact Nimo ke support ke bina main ये सारे डिसीजन शायद ले नहीं पाती यू नो। काफी सारे चीजें मन में होती है व्हेन यू वांट टू, व्हेन यू जब एक रोल सुनते हैं तो डेफिनेटली यू नो मुझे सपोर्ट मिलता है उनका, बिकॉज आई डिस्कस माय रोल विथ हिम, आई डिस्कस काफी चीजें उनके साथ डिस्कस करती हूँ मेरी प्रोफेशनली भी, एंड उनसे जो मुझे सपोर्ट मिलता है इट गिव्स मी मोर स्ट्रेंथ एंड मेक्स मी मोर कॉन्फिडेंट ऑफ कोर्स। एंड फॉर अनुपमा ऑल्सो he was very excited, उन्होंने मुझे पूछा कि are you keen on doing this, do you want to play Kavya, are you excited about the role? मैंने कहा of course there's no doubt that I'm not excited, and then जब उन्होंने देखा कि I was completely in favor of the role and I wanted to do it, so he gave me all his love and support and that made me very happy of course. अच्छा, अभी जो situation है pandemic का, उसमें shooting करने के लिए कितना खुद को motivate करना पड़ता है हर दिन? पहले दिन इनफैक्ट जब पहले दिन सेट पर गई थी तो डेफिनेटली बहुत क्यूरियस थी देखने के लिए कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि एवरी डे न्यूज में हम काफी टाइम से यही देख रहे हैं कि कितना डेंजरस है बाहर स्टेप करना एंड यू नो हाउ केयरफुल पीपल हैव टू बी। बट जब मैं पहले दिन पहुंची सेट पे आई वॉज क्वाइट रिलैक्स टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो प्रोविजन लिए गए थे एंड जो सारे प्रिकॉशन लेने थे लोग इतना सीरियसली, फर्स्टली आपकी सेफ्टी इज इन योर ओन हैंड्स यू नो, सो पीपल आर वेरी केयरफुल ऑन सेट
एंड जो हमारे प्रोड्यूसर है राजन जी ऑल्सो, उन्होंने सारी तैयारी इतनी अच्छी से की हुई थी, जो कि मैंने सोचा था उससे कई गुना बेटर सब कुछ वहां पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया हुआ था. एंड लोग खुद समझते हैं कि ये सारी चीजें करना कितना जरूरी है. सो मास्क हो या हमारे टेम्परेचर्स चेक होने हो या हमारा मेकअप रूम और हमारा जो सारा सेट है वो हर 2 घंटे में सैनिटाइज होना, ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरह से हो रही है सेट पर. सो फार सो गुड एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेल प्लेस्ड. सब कुछ सारी सेफ्टी मेजर्स बहुत अच्छे से ली जा रही है, वो हमारी प्रायोरिटी है ऑन सेट. इम्यून सिस्टम की भी बात की जा रही है, उसके लिए कुछ खास कर रहे हो, कुछ खास आप खा पी रहे हो कुछ? यस, इनफैक्ट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सारे एक्टर्स को ही नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं सेट पर, एवरीबॉडी इज गिवन, हर 15-20 मिनट में सारे ट्रे में सारे ग्लासेस आते हैं जिसमें कि यू नो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं ऑफ कोर्स, जो कि सैनिटाइज होते हैं. और हमें काढ़ा दिया जाता है, फिर हमें जिंजर टी दी जाती है, हमें लेमन एंड जिंजर एंड तुलसी का एक मिक्सचर दिया जाता है, हमें काफी ये सारी चीजें दी जाती है, बेसिकली ऑल द गुड थिंग्स व्हिच विल मेक आवर इम्यूनिटी गेट स्ट्रॉन्गर. सो वी आर ऑल गिवन दिस टाइम टू ट्राई. अच्छा मदालसा, आप खुद मतलब टीवी की दर्शक रही हैं, आप टीवी देखती हैं, इंडियन टेलीविजन खासकर अगर बात करें तो? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इनफैक्ट काफी टाइम से मैं देखती आई हूँ, एंड मैं और मेरी मॉम हम लोग काफी टीवी शो साथ में देखते हैं. एंड इसीलिए मैं चाहती थी कि कभी कोई ऐसा मौका मिले जहाँ पे इवन आई गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और मैं भी एक टीवी शो कर पाऊँ, बिकॉज मेरी नजर में टेलीविजन इज अ वास्ट मीडियम, एंड जो टीवी की रीच है, जो बिकॉज आप ऑडियंस से डेली बेसिस कनेक्ट करते हैं, ऑडियंस को आपके साथ एक डेली बेसिस पर कनेक्ट करने का मौका मिलता है, तो जो रीच एक एक्टर की होती है एवरी हाउस होल्ड जहां जहां आपका शो देखा जा रहा है, इट्स जस्ट ह्यूज द रीच, यू नो. सो इसीलिए आई वाज वांटिंग कि मुझे भी एक मौका ऐसा मिले एंड आई कैन आल्सो डू समथिंग गुड. अच्छा, आई वुड ऑलवेज लव वाचिंग टीवी शोज. आप अपने मम्मी की बात की, शीला जी, वो तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत सारी फिल्में की है, उन्होंने किस तरह से आपको गाइड किया था जब आपने बोला कि एक्टिंग करना है, क्या उनका रहा है सपोर्ट आपको लेके? वो तो बचपन से ही, इनफैक्ट जैसे माय ग्रोइंग इयर्स हैव बीन वाचिंग माय मदर perform and even my father Subhash Sharma, he's also hamara khud ka home production hai, so he's been writing, directing, producing. So bachpan se I have been raised in a background jahan pe I've seen everything happening, right from acting to direction to filmmaking. So isliye I had decided ki I'm going to do what my mom is doing, I want to be an actor and I want to be a performer. इसीलिए बचपन से मैं उसी तरह से groom हुई थी, made the dance classes or made the diction classes, फिर acting school of course. So मेरी training भी उसी हिसाब से हुई थी. तो mom and dad दोनों का बहुत अच्छा support रहा है, because they themselves are in the business, so they understand. So it's been very good from the beginning. I have had their support. अब चक्रवर्ती परिवार की बहू बन गई हैं, मिथुन सर एक legend है, योगिता वाली मैम, किस तरह से वो आपके लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे, क्या खास रहता है, उनकी बॉन्डिंग आपके साथ कैसी है, कितना कंप्लीट है? वेल, मॉम एंड डैड के साथ बिल्कुल वैसा ही है टचवुड जैसा कि मेरा मेरे अपने पेरेंट्स के साथ है. एंड फ्रॉम डे वन उन्होंने मुझे यही कहा था कि इफ यू वांट टू परस्यू एक्टिंग आगे भी, यू वांट टू कंटिन्यू, बिल्कुल फील फ्री, जहां पे आपको लगे कि आपको अच्छा काम ऑफर हो रहा है, जो काम आप करना चाहते हो, जो कि एज एन एक्टर यू वांट टू डू इट, यू शुड डू इट. तो बिल्कुल कोई भी इस तरह की चीजें अलग नहीं थी, जो कि मेरी शादी से पहले कुछ है और बाद में कुछ हुआ, देयर वाज नो डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट. एंड टच वुड, आई फील क्वाइट ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दैट. एंड जब घर वालों का सपोर्ट मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपको काफी चीजों में आगे लाइफ में, यू नो, और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है टू गेट बेटर एंड बेटर एंड टू do work and to continue working. तो वो support एक हमेशा से रहा है घर पे, and बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि शादी से पहले था, सिवाय ऐसा है कि मेरा घर बदल गया है, otherwise मेरी family बहुत loving है, बहुत supportive है, dad है, mom है, मेरे husband है, they all are as loving and supportive as I could have ever dreamt of. अच्छा, जब आपके पास आस पास legend रहते तो ज्यादा pressure होता है खुद को साबित करने का? मिथुन सर है ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, इनफैक्ट मोटिवेशन है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है. क्योंकि यू नो, जब डैड को देखती हूँ आज तक, जब वो कोई रोल का प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, जब हम घर में बात करते हैं, जैसे कि हाल ही में जब उन्होंने टैशकिन फायर्स की, और जब घर पे डिस्कशन होता था कि कैसे वो अपने रोल के लिए प्रेपरेशन कर रहे थे उन दिनों, आई यूज्ड टू फील कि ओह माय गॉड, यू नो, इट्स कमेंडेबल कि टचवुड आफ्टर बीइंग इन अ पोजीशन जहां पे
यूर अ लेजेंड एंड एवरीबडी लव्स योर वर्क, अभी भी इतना कमिटमेंट, अभी भी वही बारीकी से एज एन एक्टर काम करना अपने रोल पर, तो ये बहुत मोटिवेशनल है. ऑन द कॉन्ट्ररी, यू नो, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कि मुझ पे कोई प्रेशर है या हम में से किसी पर भी कोई प्रेशर है. वो बस एक बहुत पॉजिटिव सपोर्ट है, तो आई सी इट एज अ सपोर्ट. अच्छा मदाल से अगर आपकी बात कीजिए, आपके ससुराल मायके दोनों तरफ से मतलब एक्टिंग का बैकअप है, वो जो नेपोटिज्म की बातें आती है, फिर आपको क्या इस पे आपका क्या टेक है? अभी जो नेपोटिज्म जिस दिशा में जा रहा है ना, एक्चुअली वो दिशा ऑनेस्टली मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी अनफेयर लगती है, क्योंकि जो हुआ ना, जो हुआ वो तो माय गॉड, इट्स अनइमेजिनेबल. एंड वो ट्रॉमा तो खैर हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए, नोबडी इज एवर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा. बट नेपोटिज्म की जब बात अगर हम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कहीं कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, या आप अगर डॉक्टर हैं, या आप अगर एयर होस्टेस हैं, पायलट हैं, आपको अगर स्कूल में एडमिशन चाहिए, वहां तक कि आपको कॉन्टैक्ट्स की जरूरत पड़ती है. हर जगह जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए कॉन्टैक्ट्स यूज करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, बिकॉज जो हमारे पेरेंट्स ने अब तक किया, नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, कोई और फील्ड में भी, तो वो चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को उसका एडवांटेज दे सके. अब अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये स्टार किड्स जो है, उनको ये एक एडवांटेज है कि उनको मीटिंग्स आसानी से उनको मिलती है. अगर उनको कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलना है, तो उनको मीटिंग्स अरेंज करना इज इजियर. दे कैन रीच ऑफिस इज इजियर ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके अगर कॉन्टेक्ट आर बेटर देन एनीबडी जो कि एक न्यू कमर है. बट एट द सेम टाइम अगर कोई प्रोड्यूसर एक एक्टर को कास्ट करता है, चाहे वो स्टार किड हो या नॉन स्टार किड हो, तो अगर कोई आप पे करोड़ों रुपए लगा रहा है, तो डेफिनेटली वो सिर्फ आपका बैकग्राउंड ही नहीं देखेगा, बल्कि देखेंगे कि आपके अंदर भी कोई पोटेंशियल है कि नहीं है एट द एंड ऑफ द डे. बिकॉज करोड़ों रुपए ऐसे ही लगा देना जस्ट बिकॉज आप स्टार किड है, वो आई डोंट थिंक इट्स अ सेंसिबल थिंग टू डू. कोई भी ऐसे पैसे नहीं लगा देता ना. तो आपकी फिल्म भी जब रिलीज होती है फ्राइडे को जो भी रिजल्ट होता है फिल्म का, वी ऑल नो कि चाहे वो स्टार किड है या बहुत कोई बहुत पॉपुलर स्टार हो या कोई न्यू कमर हो, अगर आपकी फिल्म फ्राइडे को ऑडियंस को पसंद नहीं आती, और अगर ऑडियंस थिएटर में नहीं जाते आपकी फिल्में देखने के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप न्यू कमर हैं या आप स्टार किड हैं या आप किन के बेटे हैं या किन की बेटी हैं, इट डजंट मैटर. सो एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट फील के जो इस सिचुएशन को बेटर कर सकता है वो यही है कि जो लोग टॉप पर हैं आज, पीपल हु आर पावरफुल, वो बस उनका अप्रोच टुवर्ड्स न्यू कमर्स अच्छा हो सकता है, कैन बी मोर वेलकमिंग. जैसा कि हम सुर्खियों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई वुडन्ट, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, इट डजंट मेक सेंस, बट जब लोग कहते हैं कि जब कोई न्यू कमर की तरफ बहुत ही जो पावरफुल फिल्म मेकर्स है उनका अप्रोच थोड़ा सा सही नहीं होता, उनको लगता है कि यू नो वी डोंट वांट टू वर्क विद न्यू कमर्स, अगर ये बात सही है, विच आई डोंट नो टिल नाउ कि ये सही है, हमें पता नहीं है, हम सिर्फ सुन रहे हैं, अगर ये सही है, तो आई फील कि जो लोग इन पावर है उनमें थोड़ी ह्यूमैनिटी आ सकती है, एंड उनमें थोड़ा सा एक सॉफ्ट उनका एक अप्रोच सॉफ्टर हो सकता है, और दे शुड बी ओपन टू गिविंग वर्क टू एवरीबडी एज लॉन्ग एज दे आर टैलेंटेड. एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर इन द फिल्म बिजनेस, यू आर इन एनी बिजनेस, टैलेंट एंड हार्ड वर्क इज इट गोज हैंड इन हैंड. उसके बिना तो यू आर नेवर गोइंग टू रीच एनीवेयर. इवन इफ यू आर अ स्टार किड, अगर आप खराब परफॉर्म कर रहे हैं, यू आर नेवर गोइंग टू गेट वर्क आफ्टर दैट. So you have to prove yourself as a person who has talent, who can give something to the industry. So a softer approach towards newcomers, of course. This is what I feel right now can make the situation easier. If you ask me. मदालसा, अगर आपकी बात कीजिए, आपके लिए संघर्ष क्या रहा था? इतना मतलब आपके बैकअप होते हुए भी क्या आपके लिए संघर्ष रहा? कैसे आपने रिजेक्शन को झेला है? अगर लाइफ में मिला है तो एक्टिंग में. वेल, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो रहे ही हैं, जैसा सबके साथ होता है वैसा ही हुआ. इनफैक्ट कंपटीशन जो है, सो मच कंपटीशन कम है क्या आज की डेट में? हमेशा से देयर हैज बीन सो मच कंपटीशन. इफ शुरू से ही, इनफैक्ट जब से मैं काम करना शुरू किया है मैंने, तब से मैंने देखा है कि अपने आप पर आपको, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. कभी भी यू विल नेवर रीच दैट स्टेज एज एन एक्टर कि आपको लगे कि नो, नाउ आई एम परफेक्ट, कि अब आगे मुझे अपने ऊपर बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है. आई हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस और आई विल बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस बिकॉज ऑफ एनी रीजन. नहीं, यू नो, वो संघर्ष इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज
कितनी चीजें होती है जहाँ पे हम हमको लगता है कि हमें ये करना है, हमें ये वी वॉन्ट टू डू दिस फिल्म और वी वॉन्ट टू डू दिस वर्क, बट समहाउ इट डजंट वर्क आउट. सो योर कॉन्स्टेंट स्ट्रगल हैज टू बी विद योर सेल्फ फर्स्टली, कि यू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड देन आगे लाइफ में जो रिजेक्शन होंगे, जो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ इवेंचुअली. That will never be in your control. But what can be in your control is just to keep yourself in a place mentally and physically and emotionally that you can handle rejection and at the same time you can handle all the love which people are giving you. Kavya ke kirdar ke liye kitna aapko matlab kis tarah se matlab wo mil raha hai aapko compliment, kis tarah se log aapko kar rahe hain tareef agar baat kare industry ki. I think yes, ye bhi I feel it's a blessing kyunki आज की रेट में लोगों का प्यार मिलना, यू नो, क्योंकि पीपल आर वेरी ऑनेस्ट दीस डेज, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. आई लव इट बिकॉज़ सोशल मीडिया के आने से वो अपना जेन्युइन फीडबैक देते हैं. अगर उनको कोई चीज पसंद है तो वो आपको इतना प्यार देंगे, एंड अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं है तो फिर वो आपसे कहेंगे भी कि यू नो ये नहीं, इट्स नॉट गुड इनफ. बट लकीली काव्या के केस में आई एम गेटिंग सच पॉजिटिव फीडबैक, टच वुड, व्हिच आई रियली ऑलवेज वांटेड, कि लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है, लोगों को मेरा कैरेक्टर दिख रहा है, जो कि मैं हमेशा से शुरुआत से यही प्रे कर रही थी कि ये जो कैरेक्टर है काव्या का, एक बहुत थिन लाइन पर है. एक है कि बिकॉज जो उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, जो कि क्लियरली लोगों को अब दिख रही है, जो विच आई एम लविंग इट, एंड इट्स नॉट गोइंग नेगेटिव एट ऑल, बिकॉज काव्या इज नॉट नेगेटिव, शी इज वेरी पॉजिटिव, बहुत एनकरेजिंग है. इनफैक्ट शो में आप देखते हैं तो काव्या इज द वन जो कि अनुपमा को एनकरेज करती रहती है कि डू अ जॉब, बी इंडिपेंडेंट, अपने लिए जियो एंड ऑफ कोर्स फैमिली के लिए भी, बट एट द सेम टाइम अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी डिग्निटी है, उसको डोंट लेट इट गो, कीप दैट इंटैक्ट. सो जो काव्या का एक्चुअल कैरेक्टर है लोगों को वही दिख रहा है, विच इज आई थिंक अ ब्लेसिंग फॉर मी. And I'm really happy about that. People are giving me so much love and itne kam span of time mein people are recognizing me as Kavya. Ab log mujhe identify karte hain Madalsa later, but you know, Kavya before my actual name, jo ki as an actor I think it's a reward. Aur main yahi meri koshish rahegi ki main aage bhi bilkul waisa hi karti rahun jaisa kar rahi hu, and log mujhe continue is tarah se hi apna pyar dete rahe. I feel totally honored. अच्छा मदाल सर, आप सोशल मीडिया पे भी काफी वीडियोस डालती रहती है, कभी कभी आपको लगता है वो आपके लिए कुछ बर्डन टाइप में लगता है कि एंटरटेन करना, वहां भी किस तरह से देखते उधर आज के यूनिक बनाते हैं आप वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, दैट मेक्स मी फील हैप्पी, थैंक यू. आई फील कि यू नो, जब मेरे जो पास टाइम, जो टाइम पास करने के लिए टाइम होता है ना, तब मैं ये करती रहती हूँ, यू नो, वीडियोस बनाती हूँ. या अब काफी सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया पे है, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ करके यू नो यू कैन कीप डूइंग समथिंग और द अदर. सो आई यूज माई टाइम कंस्ट्रक्टिवली. और आई फील कि यू नो जहाँ पे भी आपको आप जितना कर सकते हो, जहाँ पे यू नो यू कैन एक्चुअली शोकेस योरसेल्फ इन द राइट वे, व्हाई नॉट. सो पीपल आर लाइकिंग इट, देन इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? व्हाट एल्स? अच्छा, फिल्म, टीवी, अब नेक्स्ट क्या मदालसा, क्या करना है अब और क्या सोच रहे? अभी फिलहाल तो अनुपमा ही है मेरे मन पे. इट्स दैट्स ऑल दैट my professional life is revolving around. And ab jab tak hum aage, to I have no idea, because as an actor I am completely, my doors have always been open to doing different things. Main kabhi bhi ek hi cheez par nahi tiki hu, main alag alag type ki languages ho ya jaisa bhi, you know, as long as I feel happy doing the work that I'm getting. So aage jaake kuch bhi hoga, kuch bhi, if it's maybe web series ho ya again going back to films or doing more television, I'm open to doing anything, but right now the utmost priority and focus is only Anupama. I've just started now. Okay, thank you so much. Thank you so much humse baat karne ke liye. Best of luck. Thank you, Urmila. Thank you. PrabhatKhabar.com. Vishwas Vahi. Raftaar Nayi.